तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। 26 सितंबर 1918, उत्तर पूर्व फ्रांस का चेपी इलाका। सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। गहरा कोहरा था, उजाला मानो अंधेरे को पीछे छोड़ने की जल्दी में ही था। जल्दी किसी और को भी थी, और ये था अमेरिकी सेना का 32 साल का एक मेजर, जो अपने कुछ सैनिकों और एक टैंक के साथ तेजी से उस इलाके को पार करना चाहता था। वो जर्मन सैनिकों की नजरों से बचने की कोशिश में था, जो प्रथम विश्व युद्ध में उसके दुश्मन थे। दस्ते के करीब आधा किलोमीटर आगे और आधा किलोमीटर पीछे एक सैनिक चल रहा था, जिससे आगे या पीछे दुश्मन के होने का पता कुछ जल्द लग जाता। स्काउट्स थे। अचानक दोनों ही सैनिक मेजर के पास दौड़ते हुए आए और हाँफते हुए बोले, जर्मन सैनिकों ने घेर लिया। चूंकि अब ये सब जर्मन सैनिकों की नजर में आ गए थे, तो पीछे हटने का भी अंजाम वही होता जो आगे बढ़ने का होता। मौत को सामने देख युवा मेजर के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने आसमान की तरफ देखा तो मानो उसे लगा कि उसके पूर्वज जो अमेरिकी क्रांति और गृह युद्ध में शहीद हुए थे, उससे कह रहे हों, लड़ो और आखिरी सांस तक लड़ो। अब मेजर की कपकपी बंद हो गई थी। अपने सैनिकों की ओर देख कुछ बड़बड़ाते हुए वो बोला, पूर्वजों की जमात में शामिल होने का टाइम आ गया। तकरीबन 1 घंटे तक गोलीबारी हुई और फिर कहीं से गोली आई और मेजर की बाई जान में जा धंसी। एक सैनिक ने किसी तरह अपने मेजर की जान बचाई, लेकिन इस घटना ने उस 32 साल के मेजर के दिल से मौत का खौफ हमेशा के लिए निकाल दिया। खौफ भी ऐसा निकला कि 20 साल बाद हुए दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर सबसे ज्यादा इसी मेजर से डरता था, जो तब तक जनरल बन चुका था, और इस जनरल का नाम था जॉर्ज एस पैटन। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तारीख में आज बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे महान सेनापतियों में शुमार किए जाने वाले अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन की। जानेंगे कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज पैटन के एक नाटक ने हिटलर की हार सुनिश्चित कर दी। ये बात 1940 की है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर की नाजी सेना ने यूरोप के कई देशों में कहर बरपाना शुरू कर दिया था। इसका पहला बड़ा शिकार था फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस पर 10 मई 1940 को हमला किया और लड़ाई करीब 6 हफ्ते चली, और आखिरकार फ्रांस ने 14 जून 1940 को हिटलर के आगे घुटने टेक दिए। इसके बाद हिटलर की सेना ने अन्य देशों में कोहराम मचाना शुरू किया। उसकी नजर थी ब्रिटेन पर। 7 सितंबर 1940 से हर रात लंदन पर हिटलर ने फाइटर प्लेन भेजे और वो बमबारी करते थे। ये सब देख इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से सामरिक सहायता की अपील की। पहले तो यूएस ने बाहर से मदद देनी शुरू की, लेकिन उसने मान लिया था कि देर सवेर उसे जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। आखिरकार वो 8 सितंबर 1941 को आधिकारिक तौर पर युद्ध में उतरा भी, क्योंकि उस पर भी हमला हो गया था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध एलाइज की तरफ से अमेरिका के जनरल डी आइजनहावर की अगुवाई में लड़ा गया। उनके दो मेन कमांडर्स थे और दोनों ही दुनिया भर में मशहूर थे। एक ब्रिटिश जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी और दूसरे थे अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन। 1943 में दोनों को फ्रांस में तैनात किया गया। जनरल मॉन्टगोमरी को फ्रांस के उत्तरी तट यानी नॉर्मेंडी इलाके में भेजा गया, जबकि जॉर्ज पैटन दक्षिण में पार्डिकले के आसपास मोर्चा संभालने पहुंचे। दोनों से कहा गया कि उन्हें जर्मन सेनाओं को फ्रांस से खदेड़ना है। अब तक हिटलर यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, और इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए उसने सुरक्षा की पुख्ता तैयारी भी कर ली थी। उसने फ्रांस से नॉर्वे तक तटीय इलाकों में दीवार और किले के साथ एक सुरक्षा व्यवस्था बना ली थी, डिफेंसिव लाइन्स। इसे अटलांटिक वॉल के नाम से जाना जाता था। इनके बूते वो लंबे अरसे से अमेरिका और इंग्लैंड के सहयोगी देश या एलाइज को हमला करने से रोकता रहा था। हिटलर को जब जनरल मॉन्टगोमरी या मॉन्टी और जॉर्ज एस पैटन की तैनाती की भनक लगी, तो उसने एक विशेष रणनीति अपनाई। नवंबर 1943 में हिटलर ने अपने जनरल्स को एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा, डायरेक्टिव 51। इसमें एलाइज की फौजों के फ्रांस पर आक्रमण को ध्वस्त करने की रणनीति थी। इसके बाद उसने अपने दो सबसे काबिल जनरल्स कार्ल वॉन रुंदेट और अर्विन रोमल को फ्रांस के पार्डिकले तट पर तैनात कर दिया। जनरल्स ने पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील किया। यहाँ एंटी टैंक माइंस बिछाई गई। इसकी पहली वजह तो जॉर्ज पैटन ही थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि पैटन पहले विश्व युद्ध में ही काफी नाम कमा चुके थे। हिटलर को अगर किसी से खौफ था तो वो पैटन थे। दूसरा, पैटन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जहाँ तैनात थे, वो जगह पार्डिकले तट से सबसे कम दूरी पर थी। इसके अलावा उस समय हिटलर के जासूसों ने उसे दो अलग अलग रिपोर्ट्स भेजी थी। पहले में साफ बताया गया था कि अमेरिका और उसकी
एलाइड ताकतें या एलाइज 5 से 7 जून के बीच नॉर्मेंडी पर हमला बोलने जा रही हैं। दूसरी रिपोर्ट इसके उलट थी, उसमें कहा गया था कि कुछ दिन पहले इंग्लैंड के जनरल बर्नर्ड मॉन्टगोमरी को अफ्रीका में देखा गया, वो फ्रांस के नॉर्मेंडी तट पर जून के आखिर में लौटेंगे और हमला इसके बाद ही होगा। हिटलर के पास जॉर्ज पैटन की तैनाती वाली जगह की तस्वीरें भी आ गई, जिसमें बड़ी संख्या में बड़े बड़े टैंक्स दिख रहे थे, करीब 2 दर्जन लड़ाकू विमान भी थे। ऐसा लग रहा था मानो जल्दी ही जंग की तैयारी चल रही है। ऐसे में हिटलर को लगा कि अब नॉर्मेंडी तट से हमला नहीं होगा, बल्कि हमला पा डी क्ले तट से जनरल जॉर्ज पैटन करेंगे। 5 जून 1944 की रात को हिटलर को एक और सूचना मिली, जिससे वो और निश्चिंत हो गया सुनके। ये जानकारी मौसम से जुड़ी थी, जिसमें कहा गया था कि इंग्लिश चैनल में 6 और 7 जून को तूफान आने की प्रबल संभावना है। नॉर्मेंडी तट इंग्लिश चैनल पे ही था। अब हिटलर को बिल्कुल साफ लगने लगा था कि लड़ाई पा डी क्ले में ही होगी। वो मन ही मन खुश भी हुआ, क्योंकि पा डी क्ले पर उसके 2 सबसे बेहतरीन जनरल्स तैनात थे। तैयारी पुख्ता थी। हिटलर ने नींद की गोलियां खाई और निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। पता लगा कि भयंकर तूफान के बीच ही यूएस और उसके एलाइड फोर्सेस ने, कनाडा भी था उसमें, ब्रिटेन भी था, नॉर्मेंडी लैंडिंग्स अचीव कर ली हैं। वो फ्रांस में घुस गए हैं नॉर्मेंडी के तट से। सब तहस नहस करके वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद पार्टी के लिए तट पर तैनात उसके जनरल कार्ल वॉन रुंदेट और रोमिल ने संदेश भेजा। इस पे सेना को नॉर्मेंडी भेजने की इजाजत मांगी गई थी। दोनों जनरल्स को अब भी लग रहा था कि वो जंग जीत सकते हैं। बताते हैं कि हिटलर उन्हें नॉर्मेंडी तट पर पहुंचने का आदेश देने ही वाला था कि खबर आ गई कि पा डी क्ले तट पर जॉर्ज पैटन ने हलचल तेज कर दी है और जल्दी वहां से जर्मन सेना पर अटैक होगा। एक और सुबह से शाम हो गई, लेकिन हिटलर कोई फैसला ले नहीं पाया और इससे एलाइज ने पहले नॉर्मेंडी पर फतेह पा ली और फिर फ्रांस पर। इस हमले के कुछ समय बाद इसकी पूरी कहानी सामने आई। पता लगा कि हिटलर को फंसाने का प्लान था ये, और इसे रचा था जॉर्ज पैटन ने ही। कैसे, आइए आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जॉर्ज पैटन फ्रांस के पा डी क्ले इलाके के करीब स्थित ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर मोर्चा संभाले हुए थे, सदर्न कोस्ट पे। यहाँ के ही टैंक्स और लड़ाकू विमानों की तस्वीरें जो थी वो हिटलर तक पहुंची, जिससे वो समझा कि हमला यहां से होने वाला। लेकिन जिन टैंक्स और विमानों के फोटो पहुंचे वो नकली थे और रबर के थे। इन्हें वहां हिटलर को गच्चा देने के लिए लाया गया था। हिटलर और उसके सेनापति असली टैंक और विमान इसको समझ बैठे। इसके अलावा पैटर्न ने एक सोची समझीती रणनीति के तहत एलाइज के ऑफिसर्स की बातचीत जर्मन सैनिकों को फीड की, जिसमें पार्टी किले पर हमले की रणनीति की बात होती थी। एक बहुत बड़ा खेल और भी खेला गया था। इंग्लैंड के जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के अफ्रीका में होने की जानकारी भी लीक करवाई गई थी, और इन सब जानकारियों के आधार पर ही हिटलर ने निश्चय कर लिया था कि हमला पा डी क्ले तट पर ही होगा, और उसने सेनाओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा। नॉर्मंडी को लेकर थोड़ा रिलैक्स था। इस हार के बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का पतन शुरू हुआ। इसलिए 6 जून 1944 को दुनिया डी डे के रूप में मनाती है। आज के लिए इतना ही। तारीख इस एपिसोड को हमारे साथी अभय ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।